आज हम बनाने वाले हैं मूंग की दाल की खिलवा खिचड़ी। मूंग की दाल की एक तो गुटवा खिचड़ी होती है, वो अक्सर जब डॉक्टर बताते हैं या कोई पेट में खराबी होती है जब भी खाई जाती है, या किसी हल्के फुल्के खाने का मन होता है वो उस दिन भी खाई जाती है। लेकिन हम ये मूंग की दाल की आज खिलवा खिचड़ी बना रहे हैं। ये कच्ची बासमती के हमारे चावल है 2 कप, और 2 कप ही हमने दाल ली है। ज्यादातर तो ये चीजें बराबर होती है तभी अच्छी होती है पकने में। वैसे आप चाहें तो दाल कम ले सकते हैं, आप चाहें तो दाल ज्यादा चावल कम ले सकते हैं, लेकिन बराबर ले लें वो एकदम सही तरीका है। इसके अलावा हमारे पास ये 2 लौंग 2 इलायची हैं छौंकने के लिए, और हमारे पास ये बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च है, ये थोड़ी तेज होती है इसलिए हमने सिर्फ 2 ली है। 1 टमाटर है कटा हुआ, और हमारे पास 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, और इसमें हमारा नमक जाने वाला है। तो ये लिया हमारा सबसे पहले, इधर वेजिटेबल ऑयल ये तैयार है छुकने के लिए, ये गया। जैसे ही हमारी ये लौंग इलायची चटक गई, फौरन हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक के साथ ही, ये गया हमारा कोरिंदर, हल्का सा हिलाएंगे भूनेंगे, और ये देखिए फौरन ही हम इसमें डालते हैं अपनी ये खिचड़ी जो हमने इसको 25 मिनट भिगो के छोड़ दिया था, और इसको पानी निकाल दिया था। और अब हम इसके अंदर डालते हैं जितने ये हमारे चावल थे, यानी 1 कटोरा, उसे देखिए हम इसमें अब डालते हैं पानी। कच्ची बासमती के चावल होते हैं जल्दी गलते हैं, उसमें पानी भी कम चाहिए होता है। और एक कुकर में पका रहे हैं आप उसका हिसाब, और खोल के पका रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डलता है। ये देखिए 1 कटोरा डाल दिया था, 1/2 कटोरा ये हमने डाला, और ये डाला हमने अपना 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक, और हम इसको उबाल आने तक पकने देते हैं। और जैसा हमारा जो सबसे सही तरीका है, पकते पकते इसमें सुराख से आ जाएंगे तो ये दम लगाने के लिए तैयार होएगी, इसको फिर हम दम पे छोड़ देंगे। तो जितना हमारे खिचड़ी थी एकदम तैयार भीगी हुई, उससे हमने 1.5 गुना पानी डाला है। 1 कटोरा खिचड़ी थी, 1.5 कटोरा हमने इसमें पानी डाला, 1/2 चम्मच नमक डाला है, और बस ये एकदम खिलवा खिचड़ी बहुत बढ़िया अभी तैयार हो जाएगी। ढकना नहीं लगाना है, अभी खोल कर ही पकाना है, ढकना लगा के हम सिर्फ दम देंगे। ये देखिए ये 7 मिनट से 8 मिनट के करीब पक रहा है, हमने इसको एक बार भी नहीं चलाया है। कच्ची बासमती के चावल आपको पानी में डालने के बाद चलाने भी नहीं चाहिए। ये इस तरीके से जब पकते पकते तरीके से सुराख आ जाए और ये हल्का हल्का पानी सुराखों में झलकता हुआ दिखे तो फौरन हमें इसको दम देना है। खोल के पका रहे हैं तो जैसे बीच में प्लेट रख के मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, वैसा दम देना है। लेकिन ये ढकने में जरा आसानी से लग जाती है, तो ये देखिए हम इसमें सीटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसमें प्रेशर इकट्ठा होते ही सीटी की आवाज बढ़ते ही फौरन हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे, और 5 मिनट के लिए फिर इसको इसी के स्टीम में छोड़ देंगे, और ये बिल्कुल तैयार है। हमने इसको दम में लगाया हुआ था, अब इसको फौरन इसकी स्टीम निकाल के फौरन खोलते हैं इसे। देखिए हमारी मूंग की दाल की खिलवा खिचड़ी, ये देखना हो ना सबसे पहले आप तली में यहाँ देखें, ये देखिए नहीं जला हुआ, नहीं लगा हुआ, नहीं कोई पानी, बिल्कुल खिलवा खिचड़ी ये तैयार है। हमने इसमें छोटी हरी मिर्च तेज वाली काट के डाली थी, उसके अलावा आप इसको चटनी से या फिर अचार से उसके साथ इतने आराम से आप इसको डेली भी खा सकते हैं, और बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी ये बन जाती है। तो देसी घी ज़रूर डाल लें इसमें 1/2 चम्मच या 1 चम्मच भर के, उससे इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप ये एक बार बनाएंगे आप इसके आदी हो जाएंगे। ये गुजरात में रोज़ खाई जाती है शाम में, और कभी भी इससे झीक नहीं आती। ये हमारी खिलवा खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। अल्लाह हाफिज़।